एशिया कप 2023 के पहले दो मैच नहीं खेलेंगे केएल राहुल। एशिया कप 2023 से पहले टीम इंडिया को लगा बहुत बड़ा झटका। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी इस बात की जानकारी। एशिया कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान और दूसरा मुकाबला है नेपाल के खिलाफ, जिसका हिस्सा नहीं होंगे केएल राहुल। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए थे केएल राहुल। एनसीए में राहुल ने अपनी फिटनेस पर किया है काफी काम, लेकिन एशिया कप के लिए जब टीम चुनी जा रही थी तो उनकी मांसपेशियों में फिर आया खिंचाव। हालांकि इसके बावजूद उन्हें टीम इंडिया में दी गई है जगह। केएल राहुल का बाहर होना टीम इंडिया के लिए है बड़ी चिंता का विषय। अगर केएल राहुल फिट होते तो वो टीम इंडिया के लिए निभाते विकेट कीपर की भूमिका और इसके साथ साथ पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते, जहां उनका औसत और स्ट्राइक रेट दोनों है बेहतरीन। केएल राहुल ने वनडे में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 53 की औसत से बनाए हैं 742 रन और इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 7 अर्धशतक भी निकले हैं।